You were right. It's a much better fit. Thank you, ma'am, for believing in me. उम्मीद है मेरी नौकरी बच गई. Depends. If you only make best fitted clothes for me. Surely, ma'am, I can do that. Sorry, मेरे लिए इतनी देर तक वेट करना पड़ा. No, ma'am, it's absolutely fine. ये तो मेरा काम है. By the way, आपका वाइट गाउन मेरे पास रखना होगा. क्यों? थोड़ा सा चेंज करना है. मुझे उसकी जरूरत है. No worries, ma'am. मैं कल ही किसी के हाथों आपके घर भिजवा दूंगा. तुम्हें आकर ड्रॉप करना होगा. मतलब वो कोई व्लॉगर वगैरह नहीं है, ना तो सोशल मीडिया में छाई रहती है. What I mean to say is, she's quite powerful, well connected, must say. Thank you so much. Thank you so much. Sampurna ji. Acha. Hi. Looking gorgeous. Thank you. Thank you. अच्छा अपनी माँ से माँ नहीं मिलवाओगी क्या? ओह माँ एक्चुअली बहुत ही शाय है दी, फिर भी पूछ के देखती हूँ. प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए. ओके ऑर्डर दिया आप लोगों ने? परफेक्ट परफेक्ट. अच्छी बात है. क्या माँ से अंदर रहने को कहा था फिर भी बाहर आ गई. कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ दिस? मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ. आप उसके साथ अंदर जाइए माँ. आंटी चलिए. आपकी साड़ी बहुत अच्छी दिख रही है, बिल्कुल मैच कर रही है. इस जगह का किराया भी तो बहुत होगा. उन्हें भला पैसों की क्या कमी है? संपूर्णा को पता है, बताओ ना. अरे बोलो ना. हाउ एम आई सपोज्ड टू नो? अरे बोलो बोलो, कम ऑन संपूर्णा. अरे मुझे सच में नहीं पता. अरे बोलो ना. हार्मलेस बिचिंग. कम ऑन प्लीज. लुक गाइस, आई विल टेल यू समथिंग. पियाली जब भी मेरे स्टोर में आती है, शी स्पेंड्स अ बॉम्ब. माय क्लाइंट इज स्पेंडिंग, आई एम हैप्पी. कहां से पैसे आ रहे हैं? व्हाई शुड आई केयर? लोगों को बचाने के लिए तैयार है रेस्क्यू टीम. न्यू टाउन का आंदोलन अब भी जारी है. रूस के हमले की वजह ये सब क्या है माँ? इतनी सारी सब्जियाँ फ्रिज में पड़े पड़े सड़ रही हैं. इन्हें साफ क्यों नहीं कर लेती? जान और माल का बहुत. पापा टीवी का वॉल्यूम कम करो तो. सुबह सुबह इतना लाउड टीवी. आप देख सकते क्या करूं बेटा, फेंक नहीं पाती ना. और तुझसे भी कितनी बार कहा है एक साथ इतना सामान मत लाया कर. बस हम दोनों ही तो हैं इस घर में, कितना कुछ कैसे खत्म करेंगे? बेकार में चीजें बर्बाद. मैं क्या यहाँ हर रोज आती हूँ? जब आती हूँ सब एक साथ ले आती हूँ. यहाँ की सरकार को समझ. पापा टीवी का वॉल्यूम कम करो ना. रहने देना, बेचारे पूरा दिन घर में अकेले रहते हैं, बस टीवी ही तो देखते हैं. और ये काफी खतरनाक हो सकता है. इसकी वजह से कई देशों में. ये नया फोन खरीदा क्या? कहा जा रहा है पहले वाला खराब हो गया था क्या? ये लेटेस्ट मॉडल है. तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सावधानी. मैं ना तो नौकरी करती हूँ और ना ही पैसे कमाती हूँ, इसलिए समझ भी नहीं पाती किसी के पास कितना एक्स्ट्रा पैसा होगा कि वो बिना जरूरत के भी खर्चा करता रहेगा. बड़े बेटे के ले, नाम कर पानी पी ले. इसके लिए छोटे बेटे ने थाने में जाकर. आपके जजमेंट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ. और आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब भी कोई जरूरत होती है तो मिल जाता है ना? ठीक है बेटा, मैं भी सुधरती हूँ. बार बार एक ही बात कहती हूँ. पिछली बार इस बारे में बात हुई थी तो तूने इतना अपमान किया था कि. पता है मुझे पसंद नहीं तो बार बार एक ही बात क्यों कहती हो? और वहाँ से लोग. आपको क्या लगता है कि हमेशा माँ बाप की मर्जी से बच्चों को जीना चाहिए? लेकिन लोगों की जान बचाई जा रही. एक बार सोच के देखना, क्या दुनिया का कोई भी माँ बाप तेरी इस तरह की जिंदगी को मान लेगा?